अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। बुधवार को आपातकालीन बचाव दल के कमांडो ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के चप्पे चप्पे का जायजा लेकर सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से अध्ययन किया। कमांडो ने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद मंदिर की तरफ आने वाले सभी रास्तों का भी नक्शा तैयार किया। किसी भी संभावित आतंकी हमले से किस तरह निपटा जाए, इसका एक तरह से पूर्वाभ्यास किया गया। कमांडो ने मंदिर से सटी इमारतों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकता है। इससे पहले कमांडो ने इसराइलों के धर्मस्थल बेदखवात का भी गहनता के साथ सुरक्षा जायजा लिया। बेदखवात से कमांडो मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च करते हुए जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। गौरतलब है कि जब से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली ने इसराइलियों के धर्मस्थल बेदखवात की रेकी की थी, तभी से सुरक्षा एजेंसी समय समय पर यहां के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेते रहते हैं। सरोवर के तट पर बुधवार को पितृकार्य अमावस्या का धर्म लाभ प्राप्त करने सैकड़ों श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए। इसी कड़ी में यज्ञ घाट पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए 150 श्रद्धालुओं ने पंडित कमल नयन दाधीच के सानिध्य में काल सर्प दोष निवारण के लिए अनुष्ठान किया। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति पर राहु और केतु की कड़ी छाया पड़ती है, उस स्थिति में व्यक्ति काल सर्प दोष से ग्रसित हो जाता है। इस दोष से उबरने के लिए इन ग्रहों को शांत करने के लिए पाठ कर सर्प का दान किया जाता है। पितृकार्य अमावस्या के दिन जो आज पितृ श्राद्ध है, नारायण बलि है, पिंडदान है, गौदान है वगैरह, या ब्राह्मण लोग हम लोग यजमानों के माध्यम से आस्था से हम उनको करवाते हैं। साथ ही हम काल सर्पयोग का पूजन कराते हैं। जिस जो अधोगति पितृ गए हुए हैं, सर्प योनि में है, अधो योनि में है, उससे काल सर्प की पितृ शांति से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी इस पूजा से अच्छा फल मिलता है अपने को। पितरों का निवारण करने से जो ग्रह नक्षत्र का स्थिति परिस्थिति सुधार आता है, इससे इसलिए ये पूजा करना जरूरी है, अच्छा है।